फ्यू आप सभी लोगों का एक बार पुनः फिर से आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिजिक्स विषय में 14वां वीडियो है, जिसमें मैंने विद्युत धारा, विद्युत विभव और विद्युत सेल पर आधारित उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया हुआ है जो कि अब तक की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और किस टाइप के प्रश्न जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के लायक हैं उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, इस चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कार्य होगा। तो आप लोगों को हमने विभव की परिभाषा बताई थी, आपका V बराबर होता है W/Q, यानी यहाँ पर कार्य पूछ रहा है तो आपका फार्मूला होता है W/VQ। यहाँ पर तुमने विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q पढ़ा होगा, अर्थात W/VQ, क्योंकि हमें कार्य की गणना करनी है तो कार्य बराबर निकालना है, तो कार्य W/V की अगर बात करें तो V हमारा दिया है 2 वोल्ट, कितना दिया है 2 वोल्ट, दो रख देंगे। और अगर Q की बात करें तो Q बराबर दिया हमारा 0.1, तो हम यहाँ पर 0.1 रख देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W=2 आपका आ जाएगा 0.2, चूँकि कार्य है और कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल होता है, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो 0.2 जूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल स्रोत है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत धारा का। विद्युत सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, इससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। तो आप जानते हो कि विभवांतर V=2 आपका होता है W/Q, अभी सूत्र को हमने बताया है आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 250 जूल ऊर्जा व्यय होती, यानी कार्य हमारा जो दिया है वो 250 दिया है, कार्य को ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जूल कार्य का मात्रक होता है, इसलिए 250 क्या हुआ, W का मान हुआ, हमने W के स्थान पर कितना रख दिया, 250 रख दिया। अब आवेश की अगर बात करें तो 10 कूलाम, आवेश का मान कितना दिया है 10 कूलाम, यहाँ पर 10 रख देंगे, देखेंगे ऊपर नीचे हमारा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विभवांतर का मान कितना आ जाएगा, विभवांतर का मान 25 और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो 25 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलाम का आवेश गुजरता है, धारा का मान होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मिलीमीटर लिखा है, मिलीमीटर मीटर अगर हो जाएगा तो दूरी का मात्रक हो जाएगा, ये मिलीसेकंड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर बात करें तो टाइम की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 2 × 10^-3, मिली का मतलब होता है 10^-3, और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो 400 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, कूलाम होता है आवेश का मात्रक, यानी क्यों बराबर हमारा दिया है 400 और माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्यों की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये जाएगा 4 × 10^-4। ठीक है, 2 जीरो से आपके 6 से घात आपकी 2 कैंसिल हो गई, तो 10^-4 बचेगा। तो यहाँ पर आवेश की वैल्यू हो गई 4 × 10^-4 और समय की वैल्यू होगी 2 × 10^-3। अब हमें इसको लेकर सॉल्व करना है, तो ये चीज़ याद रखना, हम इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, हमें निकालना है कि धारा का मान क्या होगा। तो हमने पढ़ा है धारा I बराबर सूत्र पढ़ा है Q/T पढ़ा है ना, तो यहाँ से I=2 आपका हो जाएगा, क्यों की वैल्यू भी कितनी बताई हमने 4 × 10^-4 और समय की वैल्यू कितनी बताई 2 × 10^-4।
तीन, यही तो बताया। तो यहाँ से देखें तो दो से चार कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा आपका, दो बचेगा। और 10 की पावर माइनस तीन से 10 की पावर माइनस चार जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 10 की पावर माइनस वन। और 10 की पावर माइनस वन को जब बटे में लाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, और दो को जब 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0.2 आ जाएगा। चूँकि धारा है, धारा का मान किस में लिखते हैं, एम्पियर में लिखते हैं, तो यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है मित्रों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंद की को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर चार आपके चिन्ह बने हुए हैं, बंद की को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बंद की को ऑप्शन नंबर वन में जो दिया है इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा याद रखना कि बंद की को इसी चिन्ह द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध है। तो आपने ओम के नियमानुसार पढ़ा कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उनमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है जिसे वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ से देखें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, IR हो जाएगा, त्रिज्या मल्टीप्लाई करने पर इसके नीचे एक मानने पर, तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में V इक्वल टू IR ऑप्शन नंबर वन में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वन होगा, क्योंकि इन्होंने ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा में सही संबंध पूछा था। तो V इक्वल टू IR यही जो है विभवांतर और धारा में सही संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कूलाम प्रति सेकंड बराबर है, कूलाम की अगर बात करें तो कूलाम होता है वैद्युत आवेश का मात्रक, और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है समय का मात्रक। ठीक है, तो क्यू अपान टी अभी हमने बताया था कि आई के बराबर होता है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्यों बराबर आई टी से ही आई बराबर क्यों अपान टी निकला, क्योंकि टी बटे में आ जाएगा उधर गुड़े में ही। तो यहाँ पर क्यों और बटे टी किसके बराबर होगा, धारा के बराबर होगा। और यहाँ पर चूंकि क्यों का भी मात्रक लिखा है और टी यानी समय का भी मात्रक लिखा है, तो धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। अर्थात कूलाम प्रति सेकंड जो होगा वो एम्पियर के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है ना, हमारा अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य है कि वे श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, सभी समान धारा की हैं, सभी समान प्रतिरोध की हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है और श्रेणी क्रम में आपका धारा का मान समान होता है, अर्थात आवेश का मान समान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो घरेलू विद्युत परिपथ में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि 220 वोल्ट पर सभी युक्तियाँ कार्य करती हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है कि वे किस में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, क्योंकि घरों में जो वायरिंग की जाती है विद्युत परिपथों में वो समांतर क्रम में की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर होगा। तो इस चीज़ को याद रखना हमेशा कि जो घरों में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही होती है। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य, अनंत, 10 ओम, इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखना कि अमीटर को हम गैलेनोमीटर भी कहते हैं और इससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। और अगर बात करें आदर्श वोल्ट मीटर की, तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है, यानी इन्फाइनाइट होता है। ठीक है ना, इन दो क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आते जरूर हैं। एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है या आदर्श वोल्ट मीटर का, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। तो इन क्वेश्चनों को आप लिख लेना कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 मिनट के लिए प्रतिरोध तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार में ऊर्जा का मान क्या होगा।
ठीक है, ऊर्जा किए गए कार्य के तुल्य ही होती है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है अभी कि W बराबर क्या होता है, वी क्यू पढ़ा है ना, और Q बराबर कितना पढ़ा है, IT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो V और Q के स्थान पर IT लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो कार होगा वही क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि कार को ऊर्जा में प्रेरित किया जा सकता है। तो V अगर बात करें तो V का मान दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर हम 12 रखेंगे। और अगर I की बात करें तो 3.5 एम्पियर, यानी 7/2 यानी 3.5, 7/2 यानी 7 का आधा 3.5, 3.5। और अगर समय की बात करें तो समय हमारा दिया है 2 मिनट, तो 2 इसको सेकंड में बदलना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो W=2, देखिए ये 2 से ये 2 आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको 12 और 7 और 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो W=2 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 × 7 कितना होता है, 84 होता है कि नहीं होता है, और 84 का मल्टीप्लाई आपको 60 से करना है, तो 84 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची हुई है, 84 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 60 से करना है। तो 84 × 60 ये कितना आ जाएगा, हमारी ऊर्जा आ जाएगी W। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24, हासिल आया 2, और 6 × 8 = 48, 48 × 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक जीरो और बढ़ा लीजिए क्योंकि 60 में एक जीरो था, तो 50 × 40 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चूंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 2 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध जो हैं वो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R = 1/R1। आर वन कितना दिया है, 2 ओम दिया है, प्लस 1/R2 की अगर बात करें वो भी 2 ओम दिया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आपका हर समान है, एक हल ले लेंगे, एक एक कितना हो जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/R = कितना आ जाएगा, 1 ओम। अगर इसके नीचे एक मान के त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे तो R = कितना आ जाएगा, 1 ओम, यानी जो तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 1 ओम होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए धारा वितरण में आई का मान क्या होगा। आप लोगों ने किरचाप का प्रथम नियम पढ़ा होगा, धारा का नियम, जिसमें क्या होता है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बात करें तो आने वाली धारा हमारी एक 4 एम्पियर है, प्लस आने वाली 2 एम्पियर है, प्लस ये देखो ये है, ये है, ये भी आने वाली है, और यहाँ पर देखें तो ये आने वाली है, प्लस आई, ये आने वाली धाराएं थी, इनका योग जो होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब जाने वाली 5 एम्पियर है ये, ठीक है, और आपकी 3 एम्पियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आई का मान तुम्हें निकालना है, तो ये 4 और 2 ये आपका 6 हो जाएगा, 6 + I = 5, 3 कितना हो जाएगा, 8, तो ये I = आपका हो जाएगा 8 - 6, ठीक है, 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8 से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी आई का मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप का फिगर आए तो किरचाप का प्रथम नियम होता है धारा का नियम, जिसमें आने वाली धाराओं का योग जो होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। हमने आने वाली धाराओं का योग किया और जाने वाली धाराओं के योग के बराबर दिखा दिया, यहाँ से हमें आई का मान प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को भी समझ में आ गया ही होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। अभी हमने आपको बताया कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वोल्ट मीटर का अनंत, तो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है क्योंकि वोल्टेज अधिक हो जाता है, हीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है, विद्युत हीटर के प्रतिरोधक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है।
तो विद्युत हीटर जब हम लगाते हैं तो लाइट डिम पड़ जाती है। इसका मेन कारण यही होता है कि विद्युत हीटर जो होता है वो अधिक प्रबलता की धारा लेता है। अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हीटर जो होता है वो अधिक प्रबलता की धारा लेता है, जिससे क्या होता है कि लाइट डिम पड़ जाती है। ठीक है ना, बड़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विद्युत हीटर का तार बना होता है लोहे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, तांबे का। विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। टंगस्टन जो होता है वो आपका विद्युत बल्ब में यूज होता है। तांबा जो होता है वो विद्युत वायर यानी विद्युत तार में यूज होता है, और लोहा नहीं यूज होता है। ठीक है ना, याद रखना, लोहे का तार नहीं बनता है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर विद्युत हीटर का जो तार होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।